व्हाट्सअप गाइस, बहुत दिनों पहले मैं ऐसे ही प्ले स्टोर पे कोई गेम अच्छा खासा ढूंढ रहा था तो मुझे मिल गया था ग्रैनी चैप्टर 2। मैंने उस गेम को इंस्टॉल कर दिया, ये देखो। अब हम खेलने जा रहे हैं वही ग्रैनी चैप्टर 2। हमारे चैनल कोकन चैम्प पे आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, तो दोस्तों वही ग्रैनी चैप्टर 2 के लिए हम शुरुआत करते हैं। मैं पहली बार खेल रहा हूँ, चलो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे यार, ये इस गेम में तो ग्रैंडपा भी है। ग्रैनी तो बहुत डेंजर लग रही है, उसके साथ ग्रैंडपा भी है। लगता है इस बुड्ढे ने शादी कर ली होगी। ये देखो, इसकी हॉकी स्टिक पर तो खून लगा हुआ है, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और ये क्या, इस ग्रैंडपा के लॉकेट में कोई की है? तो चलिए देखते गेम कैसा है। फिलहाल तो हम, अरे ये तो, हाँ ये यहाँ पे ऑप्शन है, ग्रैनी ग्रैंडपा बोथ। फिलहाल तो मुझे ग्रैंडपा के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम शुरू शुरू करेंगे ग्रैनी के साथ। क्वालिटी मीडियम ही रहने दो, हम इजी के साथ ही शुरू करेंगे, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। हमारा क्या होगा इस गेम में, कुछ भी नहीं हमें पता है। अरे ये तो म्यूजिक भी बंद हो गई, मतलब गेम अब शुरू हो गया भाई। डे वन भाई, ये देखो। अरे ये क्या है, हमें किसी रूम में किडनैप करके रखा है बुड्ढी ने। भाई क्या रूम है, देखो देखते कैसी है रूम। अरे हमें कोई अच्छा खासा बेडरूम देना चाहिए था, अच्छा सा बेड। हमें तो ये सीधा सादा सा रूम दे दिया, इसमें तो सोने के लिए भी अच्छी जगह नहीं है। देखते इसके नीचे जा सकते हैं क्या, नहीं। हाँ छुप सकते हम इसके नीचे। मैंने इस गेम के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा था। इसमें तीन एस्केप होते हैं, बोट एस्केप, हेलीकॉप्टर एस्केप और डोर एस्केप। ये क्या है नीचे, हाँ तो नीचे भाई ये रही हमारी बोट जिसके साथ हम एस्केप कर सकते हैं। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है? अरे यार मैंने तो आवाज़ कर दी। मुझे इतना तो इस बारे में, इस गेम के बारे में इतना तो पता है मुझे कि ग्रैनी कोई भी आवाज़ सुन के आ जाती है। देखते हैं बुड्ढी कैसे आती है। ये देखो भाई, द लीजेंड बुड्ढी ग्रैनी आ गई। इसके तो सर पे बाल भी नहीं है। और चलिए हमें मारने। अरे ग्रैनी, तूने हमसे पंगा ले लिया है, तुम्हारी खैर नहीं। चलो देख लेते ये क्या है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, ग्रैनी यहाँ पे चली जाएगी। हम चलते हैं ऊपर, सीधा ऊपर, देखते इसमें कुछ है या नहीं। बेंच क्यों चाहिए हमें भाई? भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। पहले हम यहाँ का गेट बंद कर देते हैं। ये देखो भाई, आते आते ही ग्रैनी का मुंह तोड़ दूंगा अब मैं। भाई सच्ची कह रहा हूँ, अब मैं इस ग्रैनी का, बुड्ढी का मुंह ही तोड़ दूंगा। पहले ही मुझे स्टन गन मिल गई है। अब तेरी खैर नहीं बुड्ढी, तुझे तेरे मुंह पे ही दूंगा। आना ऊपर, यहाँ पे हम नॉइज कर देते हैं कि ग्रैनी आ जाए। कहाँ से आ गए, आई गई मुझे नहीं पता। अरे ये देखो आ गई बुड्ढी मरने के लिए। चल तू मर, हमारा स्टन गन का एमओ दे दे बस। अरे निकल निकल, मैं इसे तुड़वाता हूँ पैर से, मैं इसे इज्जत भी नहीं दूंगा। देखते भाई अब क्या क्या मिलता है इस घर में और कैसे होती है हमारी यहाँ से एस्केप। ये देखो भाई पैडलॉक की, हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। देखते हमें क्या क्या मिलता है। ये क्या है, अरे ये तो गिरता भी है फोटो। देखते यहाँ क्या है, ये कैसे खुलता है भाई? हाँ ये देखो ऐसे खुलता है। ये तो हमें क्रोबार भी मिल गया।
अभी क्रोबार भी रखा हुआ है। स्टनगन को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देता हूँ। ग्रैनी तो अब 1.5 मिनट के लिए सो रही होगी, 1.5 मिनट नहीं भाई, 1 मिनट के लिए। मुझे अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं से भी आ सकती है बुड्ढी। कहाँ से स्नूप होती है, कहाँ से जिंदा होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस गेम के बारे में अभी तक। ये देखो भाई, मुझे कटिंग प्लाइजर्स मिल गए, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। सिक्योरिटी कहाँ है भाई, सिक्योरिटी की लगेगी ना। अभी सब जगह ढूंढते हैं बस, कहीं तो मिल जाए सिक्योरिटी की। ये क्या है, चिकन लॉलीपॉप खाती है बुड्ढी या मनुष्य के हड्डियां खाती है? भाई पहले स्टन गन लेता हूँ, कहीं से भी आ जाएगी बुड्ढी जिंदा होने के बाद। सीधे चलता हूँ नीचे की तरफ, इधर कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो बोट की, अरे ये देखो बुड्ढी, भाई साहब यहाँ पे ही है। चल निकल, हमारी एमओ दे दे। गिर गई बुड्ढी, यहाँ मैं छोड़ देता हूँ। पहले इस बोट की का इंतजाम कर देते, नीचे डाल देते इसको, फिर बाद में बाकी सब ढूंढेंगे। ये कौन भाई चिल्ला रहा है, ये अपनी आवाज़? जल्दी से चलते हैं नीचे की तरफ। फिर से क्रोबार लाना पड़ेगा मुझे, फिर से एक बार क्रोबार लाना पड़ेगा। इधर इसको ड्रॉप कर देता हूँ, सीधा चलता हूँ क्रोबार लाने के लिए, फिर से उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो नीचे वाला डब्बा खोल के देखते क्या है उसके अंदर, नीचे वाला बक्सा खोल के देखते कुछ तो मिल जाए भाई। सिक्योरिटी की अभी तक नहीं मिली हमको, वो ढूंढनी पड़ेगी पहले भाई। यहाँ पे एक बार एक आध वक्त देख लेता हूँ कुछ होगा या नहीं। नहीं है भाई, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या डोर लॉक, इसकी क्या ज़रूरत है हमें? कुछ भी नहीं, नीचे एक आध वक्त देख लेता हूँ कुछ है या नहीं। अरे कौन चिल्ला रहा है, अपनी आवाज़ है, डर से दम घुट रहा होगा। ये क्या भाई, ये स्पार्क लगे, इसको लेके चलते हैं नीचे। यहाँ पे लगा देते, हमारे लिए आसान हो जाएगा काम। ग्रैनी तो अब तक जिंदा हो चुकी होगी भाई, पहले देख लेते। मेरे पास एक आइडिया है, एक क्रोबार जो है वो उसके अंदर डाल देते, बहुत ही डेंजर है ये, और इसको भी फिरा देते। बुड्ढी को कैसे मारना है वो मुझे पता है, शायद मर जाएगी, डेफिनेट नहीं पता मुझे, शायद मर सकती है, पर आएगी भी या नहीं, या अभी तक गहरी नींद में है। पैरों की आवाज़ तो आ रही है, मुझे लगता है आ रही होगी। नहीं भाई, इतनी देर क्यों लगाई बुट्टी? एक बार फिर से आवाज कर देता हूँ। अब आएगी, अब जरूर आएगी बुड्ढी, और मैं इसकी बार अब की बार उसका सर फोड़ दूंगा। आ जा बुड्ढी, आ गई आ गई, ग्रैनी आ गई यहाँ पे। अरे कहाँ पे गई?
आई तो थी, कहाँ पे गई? ये क्या, कहाँ पे गई है ये ग्रैनी? अब इसको दिखाता हूँ। उसको जोर की लगी होगी ऐसा मुझे लगता है, बुड्ढी को। अरे हमारा भी टाइम वेस्ट कर रही, बुढ़िया आ ही नहीं रही। इसको तो सब कुछ सुनने को आता है ना, कान तो ठीक है ना इसके। अपनी स्टन गन ले लेता हूँ, जल्दी से ऊपर जाके एक बार इसे नीचे आने दो। अब तो आजा। क्या कर रही है? पानी की आवाज़ क्या संडास में है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है, आ ही नहीं रही बुढ़ी। अब बेटा मैं ऊपर जाऊंगा, अब तू आ या नहीं आ मत आ, मैं तो ऊपर जाऊंगा बेटा। ये देखो भाई साहब आ गई। मैं तो गेट बंद करना ही भूल गया। अब आने दो, देखते क्या होता है। हमारे पास अभी 4 लाइफ बचे। ये तो हंस रही है, इसको क्या सदमा चढ़ गया क्या? अबे आना, ये बुड्ढी क्या कर रही है, आ ही नहीं रही। आ गई बुड्ढी। ये देखो भाई मर गई। अब बेटा अपना काम चला करते हैं। ये क्या, मेरे लिए ट्रैप? भाई इसका कुछ नहीं होगा, ग्रैनी का। मेरे लिए ट्रैप रखा, हेलीकॉप्टर की क्यों चाहिए भाई? यहाँ पे अंदर तो कुछ होगा, देखते। ये क्या, सिलेंडर ही ना? नहीं है भाई, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। सीधा चलते ऊपर के रास्ते की तरफ। कहीं पे तो मुझे बोट की तो मिली थी, वो तो मैंने ड्रॉप कर दी पहले ही। इतनी जल्दी तो जिंदा नहीं होगी बुड्ढी। अभी तक उसने हमें एक भी बार नहीं मारा, हमने उसे 3 बार मारा है, 3 या 4 बार मारा है उसे। जल्दी से जाके अपनी गन ले लेता हूँ। अगर आ गई ना सामने से, प्लीज ग्रैनी मत आ, इस बार मत आ। अगर आ गई तो हमारा कुछ ठीक नहीं होगा हमारे साथ। अब कुछ नहीं, अब हमें कौन सा डर? ये स्टन गन मिल गई। अब आ जा बुड्ढी, तुझे दिक्कत है, हमसे पंगा ले रही है तू? आ जाना, कहाँ पे रह गई है ये बुढ़ी, कहाँ पे जिंदा होते भाई ये? एक बार तो मैंने उसे बाथरूम के बाहर देखा था, कहीं वहां पे तो नहीं जिंदा होती। अबे आ जाना, एक आध वक्त फिर से ड्रॉप कर देता हूँ। अब तो आ जा भाई। अरे क्या, नींद की गोली ले ली, आ ही नहीं रही। फिर ये चलने के आवाज किसके? इसने जरूर नींद की गोलियां ले ली होती।
एक बार आने दो, मुंह तोड़ दूंगा। अबे आ जाना एक बार। ये देखो भाई, नींद की गोली लेकर सो रही थी बुढ़ी। दे दे हमारी एमओ, मर जा तू। पहले हम पैडलॉक की लगा के आते, लीवर खोल के आते। अब इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब सिर्फ मुझे गैसोलीन और गैसोलीन नहीं चाहिए, सिर्फ बोट व्हील भी चाहिए और बोट स्टेयरिंग। ये देखो भाई अपनी गन, एक बार नीचे जाके देखता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। ये देखो भाई सिक्योरिटी की तो यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले उस मकड़ी को मार देते हैं हम, फिर ग्रैनी आ जाएगी। ये मकड़ी बहुत चिल्लाती है क्योंकि, ओ तो ये इस मकड़ी के चिल्लाने की आवाज़ थी। तू तो मरेगी, आना। अबे यार अब इस मकड़ी की चिल्लाहट सुन के ग्रैनी तो जरूर आएगी। ये देखो भाई आ भी गई मरने के लिए, फिर से मर बेटा। दोनों मकड़ी और ग्रैनी भी मर गई। अरे चल चल वहाँ पे चल, एमो कभी भी नहीं लेने देते ये साले लोग। यहाँ पे ही छोड़ देता हूँ इस गन को, जरूरत होने पर लेके आएंगे फिर से। अभी पहले चलते सिक्योरिटी की लेके सीधा ऊपर, ऊपर की तरफ जो दरवाज़ा है उसे खोलने। वो सिक्योरिटी की से खुलता है आई थिंक, वहाँ पे बोट व्हील तो हमें मिल ही जाएगा। चल बेटा सिक्योरिटी की को यहाँ पे ही छोड़ देते। अब इस दरवाजे से हमारा कुछ भी काम नहीं, एक शॉर्टकट दरवाज़ा है ऊपर, मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल डोर हैंडल की क्या ज़रूरत, वो तो डोर लॉक में ज़रूरत पड़ता है। चलिए बेटा लैडर से तो हम ऊपर आ गए। हैंड व्हील की क्या ज़रूरत भाई, हैंड व्हील तो नहीं चाहिए हमें। पहले हम हमारी स्टन गन लेके फिर से एक बार आ जाते, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी अब। भाई ये स्टन गन भी मिल गई। ये देखो या इस बटन पे हमें निशाना लगाना होता है,
ये दरवाजा खुल जाता है। हमें यहाँ पे ग्रैनी से डर नहीं है बेट, आपको पहले ही बता देता हूँ, ग्रैनी ऊपर नहीं आती। ये पहले खोल के देखते हैं, इसमें तो ग्रेनेड ही होते हैं, देखते इसके अंदर क्या है। अरे ये क्या है, ओ अरे मैं तो भाई डर गया ही था, डर ही गया था मैं। रुको भाई, पहले हमें एक हाथ मार ग्रैनी को मारना होगा, फिर चलेंगे बोट व्हील लगाने के लिए। गैसोलीन आई थिंक हमें सेफ की तो मिल गई है, वहाँ पे मकड़ी के घर के बाहर वहाँ पे हमें मिल जाएगी। यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देते हैं, ग्रैनी आ गई तो आ गई। अरे ये क्या भाई, नीचे जाना। अरे भाई ये नीचे ही नहीं जा रहा, गया बाबा गया। अब ग्रैनी आ जाएगी तो उसका मुंडका फोड़ देंगे, उसकी मुंडी उड़ा देंगे। मैं ही नीचे चला जाता हूँ। कहाँ है बे ये ग्रैनी, आ जा भाई। अरे ग्रैनी तो आ ही नहीं रही। चल बेटा तू पहली फुर्सत में निकल निकल, चल मेरा एमओ बस दे दे। यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, पहले जाके स्टेयरिंग व्हील लगा देता हूँ, फिर हमें सिर्फ ज़रूरत होगी वो है गैसोलीन की। सब हमारा सेट हो गया है, हम एक भी बार अभी तक मरे नहीं। माना कि हमने इजी ले लिया लिया है, पर हमें तो सिर्फ एस्केप से मतलब है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। ग्रैनी तो अब 1.5 मिनट के लिए सो गई, देखते वो मकड़ी उठी है भी या मरी पड़ी है। चल बेटा निकलना, हमारे रास्ते में मत आ। तो मकड़ी तो मरी ही हुई है, बस हमें गैसोलीन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और ग्रैनी भी बीच में आई तो उसे उड़ा देंगे, पर इसके लिए हमें, हमारे पास अभी तक स्टन गन तो मैंने नीचे ही फिलहाल डाल दिए, ऊपर है ऊपर। ये देखो भाई काम ख़त्म, चले जल्दी से जाते हैं। अगर ग्रैनी आ गई तो हमारी तो खैर नहीं, ग्रैनी सब सुन लेती है। फिलहाल हमें बहुत जल्दी करना होगा ये सब, अगर ग्रैनी उड़ गई तो सीधा नीचे ही आएगी। फ्यूल डाल देता हूँ पहले ही, फ्यूल डालने के बाद हमें बोट की, हमने इधर ही ड्रॉप की है, उसे लेंगे और निकलेंगे सीधा एस्केप के लिए। ये देखो भाई, चलो भाई ग्रैनी बाय बाय, हम यहाँ पे एस्केप हो गए। बाय बाय ग्रैनी, ये देखो इसकी शक्ल तो देखने लायक है क्या, हमें एक भी बार नहीं मार पाई तू, हमारी एस्केप यहाँ पे हो गई। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एस्केप कर दिए, हम मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही कोकन चैम्प पे। आप कोकन चैम्प के हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।